ही नहीं है क्योंकि हम लोग धर्मी और पापा धर्मी तो बहुत सारी देख ले देख ले अपने आपस में महाभारत देख ले कर रहे टीवी पे। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। बज रहे हैं अभी से भैंस जो से गोलू के स्कूल बंद हुए हैं, तो 8:30 से पहले तो आगे नहीं खुल रही, वो भी कब खुल रही है उठाने पर। व्लॉग डेली 8:30 बजे पड़ रहा है, मैं दो से तीन दिन से 8:30 बजे व्लॉग पड़ रहा है। एनीवेज, नाश्ता वगैरह बनाया ही हूँ, लंच वगैरह सब कुछ रेडी करके रख दिया है। भाई आधा अधूरा जो हम लोग करते हैं प्रिपेयर, वो मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। रूम वगैरह भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक रूम क्लियर नहीं होगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू घर में। तो आज मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, आज मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी। हाँ आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही हूँ। कट जाएगा, बच्चों का पेपर है मेरे कथा का, तुमसे लड़के आज है बच्चों का पेपर, मतलब आज पेपर आ चुके हैं और बच्चों का जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा कथा का। तो बच्चे आएंगे 5 बजे, बच्चे जो उनका टाइम है उसी टाइम आएंगे। आज हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे और कल से एग्जाम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट ऑल झाड़ू एंड ऑल। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12, कमरा समेटते समेटते क्लियर करते करते 12 बज गए हैं और मैं अभी देख रही हूँ अपना व्लॉग, कैमरा गंदा हो रहा है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे मम्मी पीस रही है, नहीं पीस नहीं रही है, आटा मल रही है, आटा मल रही है। मुझे तो इतना पता ही नहीं है किचन के बारे में। अच्छी बात है, दूर रहो किचन से। क्यों बड़े कलर रूल लगा है, 18 साल से कम के बच्चों को स्कूटी बैठाने के लिए। बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट। अरे यार बाबा आपको मैं देख, ये पर देख सही हूं, बाबा उल्टा बोलता है। अरे तो कौन सा मेरा लाइसेंस सुन गया, कौन सा मेरा लाइसेंस सुन गया। देख देख, यूपी में बच्चों को स्कूटी चलाने पर रोक, हाथ 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना। उसमें भी इतनी घूस चलेगी ना, उसमें भी इतनी घूस चलेगी कि 3,000 रखेंगे अंदर। फोन जब मेरे टैंक खोल दो तो पैसे देने पड़ेंगे क्या चलाने के लिए? हाँ कितने? बोलो फोन रख, पापा को मारूंगी, जरा इधर आओ, फोन विशूट बंद कर। तो गाइस फाइनली मैं उठ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं और मैं उठा हूँ। भाई मैं अभी उठा हूँ, सर बता रहा हूँ, बाल सबको लग रहा होगा, देख रहे हो बाल कैसे कटिया से हो रहे हैं मेरे, यानी क्या हो रहे हैं बाल। अब भाई मैं अभी उठाऊँ और मैं नहाऊंगा, मुंह वगैरह दूंगा, क्योंकि भाई मैं दोपहर में कौन नहाता है भाई, पहले अभी बताओ दोपहर में कौन नहाएगा, कौन भाई पूरा वो करेगा यार, स्ट्रगल होता है एक तरीके से भाई ठंडे में नहाना। चलो भाई अब तो मैं मुंह हाथ दूंगा और खाना मतलब लंच करूंगा, अब डायरेक्ट ब्रेकफास्ट वगैरह में कुछ नहीं करने वाला भाई। वो ब्रेकफास्ट में अभी भाई दाल बनी है, अच्छी नहीं लगती मेरी बात। और देखो पापा पहले से ही नहा के रेडी हो चुके हैं। गैस फाइनली मैंने मुँह हाथ वगैरह सब कुछ धो लिया है, बस कपड़े चेंज करना रह गया है मेरा। देखो भाई बाल वगैरह सब कुछ ढंग से काटे हैं भाई, मुँह वगैरह सब कुछ ढंग से धोया है। और यहाँ पे हमारी फाइनली रोटी आ चुकी है, यहाँ पे पता नहीं कौन सी दाल है। मम्मी कौन सी दाल है? अरहर की दाल। भाई मुझे अच्छी खासी लगती है बट ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक ठाक लगती है बट मम्मी जो बनाते हैं वो बढ़िया है, बट वही दाल नहीं लग अच्छी नहीं लगती जो सुबह में बनती है ब्रेकफास्ट में। कौन सी दाल होती है? वो होती होगी मूंग की दाल, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। चलो अब खाते हैं भाई। तो गाइस फाइनली मैंने तो अपना लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है, मम्मी ने भी यहाँ पे लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है। और अब अभी हम लोग देख रहे हैं महाभारत, यहाँ पे जैसकी लगी हुई है महाभारत, तब उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं महाभारत। पापा ने भी खाना खा लिया है, दीदी वगैरह सब ने खाना खा लिया है और अभी हम लोग महाभारत देख रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर मम्मी के 5 बजे बच्चे आ जाएंगे ना। हाँ कथक का एग्जाम है ना। हाँ अब बता तो रहे थे पापा को, तो इसलिए तो अभी मैं कर रहा हूँ रेस्ट, फिर 5 बजे मैं भी जाऊँगा डांस क्लास। चलो भाई अब मैं ना रेस्ट कर लो थोड़ी देर आपको। हाँ रेस्ट ही करूँगा। हाँ चलो भाई। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5, मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए एंड गोलू जा रहा है अपनी डांस क्लास, ठंड बहुत है। अरे हाँ पंखा चल रहा है इस साइड, पंखा बंद करो। मेरे बच्चे भी आने स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि कथक का एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से बच्चों को बुलाया गया है। चलो
अब पहले यार मुझे इसका गियर चेंज करना पड़ेगा। पहले साइकिल चलाते चलाते करो चेंज। साइकिल जरा तो जरा बाय बाय बाय। मैं भी उधर से गेट खोलती हूँ, है ना। गेट मत बंद करना बेटा, मैं एक सेकंड अभी आ रही हूँ। एक सेकंड। सो गाइस बज रहे हैं अभी 7। जस्ट मैंने अपनी फिटनेस क्लास जो है वो करी है ऑफ, तभी मैं आप लोगों को दिख रही हूँ इसमें हाफ स्लीव्स में। ये डंबल्स वगैरह सब मैंने निकाले थे, अभी रखती हूँ मेरे, और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। चाय मैं भी आके पीऊँ, आप ठंड लग रही, जैसे एक्सरसाइज खत्म हुई ठंड लगनी चालू हो गई। अरे भाई मेरे, ओफो बड़ा चैन पड़ता है भाई एक्सरसाइज करके, समझ में आता है कि कितने आप फिट हो। चलो चलती हूँ चाय बनाने के लिए। सो गाइस हम लोग आए हैं अभी घूमने के लिए। बहुत कोहरा है और हनी मुझे पुकार रही है, चढ़े जा रही। देखो कान यहाँ से बिल्कुल ऐसी सुननी लग रही यहाँ से, और मेरे हाथ दोनों हाथ में सामान था। चाय भी नहीं पिया मैंने आज अभी तक, तो मैं चलती हूँ अभी किचन में, बनाती हूँ शाम के डिनर। डिनर के साथ साथ ही मैं चाय रख दूंगी। स्टफ पराठे बनने में टाइम लगेगा, पूरा एक घंटा लगेगा मुझे पराठे बनाने। किसी चीज़ के, अच्छा रुमाली रोटी के साथ खाई जाएगी? ओके तो गाइस चलो भैया किचन में चलते हैं। तो गाइस अभी तो मम्मी पापा घूम के आ चुके हैं, और भाई मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मतलब मैं जिधर तक टीवी देखे जा रहा हूँ, क्योंकि भाई फिर कल से स्कूल है, आज जल्दी सोना पड़ेगा। अब भाई फटाफट डेट आ जाए यार कि कब भाई छुट्टी हो पड़े यार, हो सकता है छुट्टी पड़ सकती है क्योंकि भाई ठंड इतनी हो रही है। और अब हम लोग खाएंगे अभी खाना, 8:30 बज गए भाई, खाने का टाइम तो हो चुका है। मम्मी आई थिंक रोटी सेक रही है, देखते हैं भाई पहले चप्पल पहन लूँगा। चलो भाई मम्मी रोटी सेक गई, कितना टाइम लगेगा है? तो मैं पराठे खाने हैं ना, स्टफ पराठे कुछ भी दे दो मुझे। तो स्टफ पराठे बन, तो अभी मैं प्याज कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। ओके तो मतलब कितना टाइम लग सकता है? 10 मिनट्स। ओके चलो भाई अब हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए, वो बात में खा लेंगे। तो सो गाइस अभी फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय। वैसे भी शाम के 7 बजे की वाली चाय या मैक्स्ट मैक, हाँ 7 बजे तक मैं पी लेती हूँ, ये मुझे अब जाके 9:45 नसीब हुई है। तो गाइस अब फाइनली हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया। आज खाने में था आलू के, आलू प्याज के पराठे, और दीदी और पापा के लिए एग करी, क्योंकि मैंने भी खाना छोड़ दिया भाई। तन्नी भैया है नहीं, वो नानी के घर गया, तो इसलिए हम लोगों ने बस वो खाया आलू का पराठा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महाभारत, क्योंकि भाई हमारा नियम है खाने के बाद कभी भी अगर फ्री टाइम है तो हम लोग पढ़ाई करूँगा या फिर महाभारत देखेंगे। तो बस भाई अभी तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं महाभारत। चलो भाई अब देख ले रहे हैं महाभारत। आपको एक बात बतानी और रह गई कि आज मम्मी का पार्सल आया, तो देखो वो ये कल आया था, कल आया था, अनबॉक्स करना भूल गई। नहीं मैंने करा नहीं था, बस क्यों गई थी मैं। अच्छा पापा किस दिन में आएंगे? अभी क्या है, पापा काम से गए हैं। सो गाइज ये है मेरा स्किन ट्रीटमेंट कंप्लीट, मेरा जो स्किन ट्रीटमेंट, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे होगे ना, तो आपको मेरे फेस में थोड़े से चेंजेस नज़र आए होंगे। तो ये है मेरा कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट। बोलो यार तो मैं वो लानी पड़ेगी कैंची वगैरह ना। अरे यार मम्मी आप
आप शेरनी हो, शेरनी के पंजे तो बहुत तगड़े हैं। शेरनी के पंजे क्या करेंगे, देखिए इतने टेप हो रहा, टेपिंग हो रही है इसके अंदर। लाओ मैं करूँ। जा कैच लाओ। अरे भाई साहब, ओ भाई, ओ बेटे, लाओ मैं करूँ। ओ भाई मम्मी के अंदर कितना दम है। मम्मी अगर आपको पसंद है तो पापा मुझे मार डालो। आप मजाक कर रहा हूँ यार। वो खाने भाग जाएगा यार। गोलू खुल नहीं रहा है। लाओ मैं गोलू यार। अड़ो आप पकड़ो कैमरा, रुक जा। तो भाई देख लिया आपने मम्मी की चलती, मेरे पापा और मेरे आगे तो थी ना, तो इसलिए अरे वो पार्सल आया था, मिल गया चाकू भाई। लो मम्मी मैं कर दूं, देख ले इतनी देर लगाई हमने। आपने 8 मिनट के व्लॉग में आधा घंटे लगा दिया। ओ हो यार, मेरे लिए जूते भी मंगवा दिया करो कभी कभी। अरे सॉरी सॉरी मम्मी, सॉरी होगा नहीं कुछ भी। अरे कह रहा हूँ मैं कुछ। एक बार दिखा दो यार मम्मी, दिखा दो। तो गाइस ये है मेरी स्किन ट्रीटमेंट, मतलब ये 2 बॉटल्स तो ये हैं, और ये है मेरा फेस टोनर, हाइड्रेटिंग फेस टोनर, एंड ये है रोज वाटर। ये मेरा 4 चीज़ें तो ये हैं ही हैं, एंड इसके अलावा ये तो है ही मेरी, ये 4 चीज़ें तो है ही मेरे फेस की ट्रीटमेंट, मतलब ये कोई मेकअप नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा स्किन ट्रीटमेंट है कंप्लीट। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं मेरी वो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक है मेरा कुमकुम आदि और एक है मेरा बकूची सीरम, तो वो मैं डे एंड नाइट में लगाती हूँ। तो ये मेरे फेस ना थोड़ा सा यहाँ से ऐसा लग रहा था, ड्राई ड्राई हो रहा था, तो मैंने फिर अपनी कंसल्टेंट से कहा था कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उसने मुझे ये 4 चीज़ें भेजी है। मेरा पार्सल आ चुका है। इसकी अब मेन अनबॉक्सिंग हो रही है। अच्छी है ये। तुम्हारे पापा भी लगा सकते हो। हैं लाओ ये लगा दो, पहले फेस वॉश करके आओगे। अरे मैं नहीं करके आ रहा, फिर मतलब सॉरी कर आ रहा हूँ। ये मतलब तुम लोगों के हिसाब से मंगाई, मतलब ऐसा वो मंगाया है कि तुम लोग भी डे और नाइट में मॉइस्चर, मतलब मेरा भी मुंह धोने का मन नहीं है। चाकू रख के आओ, ला दो यार। चलो भाई द्वार से काम पर चलते हैं, चाकू रख के आते हैं। चलो भाई फिर अब हो गई आपकी अनबॉक्सिंग। मैं थोड़ी ले लूंगी, उधर का डोर क्लोज कर दो, मच्छर आ जाते हैं उधर। ओके चलो भाई, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, व्लॉग एंड कर दूं अभी। तुम पिटाई खाना चाह रहे हो, क्या चक्कर है आज? अभी से व्लॉग एंड हो जाएगा, टाइम कितना हो रहा है। सॉरी अभी तो पापा आ चुके हैं, अंदर कपड़े चेंज कर रहे हैं, और गाइस अभी लग चुका है मैच, क्योंकि जैसे ही पापा आते हैं तो माँ पापा झट के मैच लग जाता है, क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग धर्मी और पापा धर्मी तो देख ले और अभी हमने वीडियो वगैरह बना ली, रील वगैरह सब कुछ बन चुकी है, और यहाँ पे हमारा जैसे कि आपको बता रहा हूँ नाइट मोड स्टार्ट हो चुका है, सेकंड नाइट मोड। तुम्हारा तो अभी दिन निकला है बेटा, तो 2 घंटे बाद सो गए, 3 घंटे बाद अभी आराम से सो गए ना, सुबह 11 बजे उठो, सुबह उठेंगे 12 बजे हाँ आराम से, 1 बजे यार
कैसी बात कर रहे हो मम्मी, आपका इतना हुनर बच्चा है, बहुत बहुत हुनर, खुद को कह रहा है, खुद को कह रहा है, अभी टाइम खुद कर रहा है, करता है कि अपने आप। अरे यार मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बोला रहा व्लॉग व्लॉग। बाय बाय बाय, थोड़ा सा आईना दिखाओ, हां इसे ना चप्पल दिखाने पड़ेंगे। चलो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। पर तो गाइस अभी दोबारा से बना आनी रहा, दोबारा सुनाओ। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:15 एंड कल है मम्मी की किटी, तो भैया आते जल्दी से मैं व्लॉग एंड करूँगी, जल्दी से एडिटिंग करके और सो जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स मुझे, बाय बाय।